जलंधर स्टेशन आने वाला है और भूख बहुत तेज लगी हुई है, तो थैंक गॉड स्टेशन पे रुक गई क्योंकि पीछे इतनी ज्यादा ट्रैफिक और ऊपर से सीट। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइफ ऑफ रविंदर यूट्यूब चैनल में, और आज की इस वीडियो में आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पे, और जैसे कि हमारा प्लान बनने वाला भैया जलंधर जाने का, और एक बार हैप्पी जी इधर दिखा दीजिए, जी इधर दिखा दीजिए, मतलब पूरी ट्रेन है ना बहुत सारी है और हम जा रहे हैं नीचे, तो पहले नीचे चलते हैं। हैप्पी जी आ जाओ ऐसे नीचे, ऐसे ही आ जाओ नीचे, तो आपको मतलब पूरा मज़ा लेने वाले हैं। उधर की साइड भी दिखा दीजिए, पूरे ट्रैक देखिए कितने अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है अपने यूज़र को। क्या बात है, ट्रेन लेट होगी वैसे हमारी तो, नहीं नहीं कोई बात नहीं, स्लो स्लो आराम से आओ, आराम से हिलनी नहीं चाहिए वीडियो तो। अच्छा हैप्पी जी, तो ये भाई साहब ने वैसे हमारी हेल्प की, इनको ज़रूर दिखाओ यार, मतलब फर्स्ट टाइम का हमारा एक्सपीरियंस था, और हमारा जो ट्रेन का टाइम था वो 9 बजे का था, पर हैप्पी जो कैमरे के पीछे खड़ा ना बंदा ये वाला, इसने लेट करवा दिया हमें, और इस वजह से हम 10 बजे की ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। भैया ने बताया कि 10 बजे ट्रेन आएगी, ये बंदा देख लो जी, नहीं अच्छे दिखाओ, ये बंदा आपको कहीं भी दिखे ना, इसको टाइम की कदर नहीं है जी। तो यहाँ पे हम खड़े हैं जी, और अभी ट्रेन का इंतज़ार करने वाले हैं जी, और दूसरी साइड भी आपको दिखाते हैं जी, यहाँ पे मज़े पूरे हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा यार, गर्मी है ना, गर्मी आपको पता है हमारा पीछा नहीं छोड़ती जी, जहाँ भी जाओ गर्मी है। और ये देखो हैप्पी कह रहा, हैप्पी कह रहा मैंने यहाँ पे, हैप्पी यहाँ पे तेरी फोटो खींचो, यहाँ पे तेरी फोटो खींच देगा। तो ये एक ट्रेन जा रही है जी, इंडियन रेलवे, बहुत हैवी इंजन है भैया, इंजन देखो आप पूरा सेकंड क्लास, वाह वाह क्या बात है, मतलब पूरी खाली ट्रेन पड़ी है जी ना, ये लो जी पूरी खाली ट्रेन पड़ी है, इधर की साइड में दिखाते हैं, काफ़ी लंबी ट्रेन है यार, मतलब वो पीछे पीछे तक है एकदम, और इसमें कुछ बंदे बैठे हुए हैं जी, पूरे मज़े ले रहे हैं, वाह अपना भी देखना ऐसे मज़े आने वाले हैं, बस वीडियो के साथ बने रहना इसी तरह से, मतलब आपको पता ना जहाँ लाइफ ऑफ रविंदर मस्ती पूरी। तो भैया ट्रेन हो गई है लेट, तो हैप्पी भाई इधर कर रहे हैं रेस्ट, हैप्पी भाई क्या हुआ, अभी बस होगी अभी चले भी नहीं। हैप्पी जी थक गए, पूरा थक गए जी, सारे बंदे देखो बैठ के वैसे आराम कर रहे हैं। पूरा आराम कर रहे हैं, इधर की साइड में भी दिखाते हैं। अच्छा बैठने के लिए वहाँ पे जगह, हैप्पी जी कह रहे हैं पर नहीं, अपना अपना स्टाइल होता है ना हर बंदे का। तो फाइनली गाइस अपनी ट्रेन आ चुकी है, एक बार हैप्पी ट्रेन दिखा दो, हाय। तो टाइम हो चुका है भैया 10:20 हो गए हैं, तो देखते हैं हमारे साथ वाले मित्र भी दिखा दो, काफ़ी गाइड किए उन्होंने, भैया यही है, यही गाइड यही जाएगी, हैप्पी ट्रेन दिखाइए यार, ट्रेन देखो गेट खुलने वाले हैं एकदम ज़बरदस्त। ट्रेन नंबर कितना था, 12919 ट्रेन नंबर है, और ट्रेन देखिए जी आ गई अपनी, देखते हैं अभी क्या एक्सपीरियंस मिलने वाला है इसका, जलंधर कैंट जाने वाली है। हाँ जी मालवा सुपरफास्ट, मालवा सुपरफास्ट जाने वाली है, तो देखते हैं। ये भैया बहुत सपोर्ट कर रहे हैं यार, जो आप सामने खड़े ना, उन्होंने काफ़ी में गाइड किया यार इस वीडियो के अंदर, तो इनको क्रेडिट जाता है। तो ये बस ये जी लगा दो यार ब्रेक, ये ब्रेक नहीं लगा रही यार, हमसे नाराज़ हो गई, माड़ा यार। तो भैया ट्रेन के अंदर देखो बंदे चढ़ पड़े, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं जी, तो जल्दी जल्दी हैं यहाँ से, आ जाओ आ जाओ साथ में भैया, हेल्प करवा दीजिए। तो देखिए मज़े लेने वाले हैं जी, और हाय 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 हाय, तो एक बार आपको बैक साइड भी दिखाते हैं जी, पूरा मज़ा आने वाला है। हैप्पी भाई साथ में रहना ठीक है, हैप्पी भाई भूल जाते हैं, तो ये देखो जी, अच्छा ये भी चक्कर है, मतलब अगर आपको जगह मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो भैया का कहना है कि दूसरी ट्रेन में जाना पड़ेगा, तो होप कि इसमें जगह मिल जाए, क्योंकि टाइम है ना जो भैया 10:20 पे यहीं पे हो गया, 9 बजे के आए हुए हैं, 1.5 घंटा हो गया, और इस बंदे की वजह से स्माइल कर दे हैप्पी। तो भैया यहाँ पे पूरा जाम लग गया है, उधर आ जाओ भैया कहना, तो उधर चलते हैं दूसरी साइड की ओर, ओए होए होए होए, आ जाओ आ जाओ सर आ जाओ, तो दूसरी साइड चलते हैं, हैप्पी जी आ जाओ। तो ये आ गए जी हम, तो फाइनली आ ही गए ट्रेन के अंदर, हैप्पी आ गया ना, और भैया को थैंक यू कह देते हैं, बंदा अपना किधर गया, वो चल गया, क्या था बंदा, ओके भैया थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बिल्कुल बिल्कुल मज़ा मज़ा पूरा लेंगे।
तो एक बार शीशा चेक कर लें, बाल बुल सही है ना? हाँ बाल सही है सर, आपके बाल चेक करोगे? हैप्पी भाई। हाँ सर, मैं कैसा लग रहा हूँ? तो भैया जी, हैप्पी भाई जी, कैसा लग रहा है आपको? सुन ना, अच्छा जगह है मिल गई बैठने को? जगह नहीं, नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है भैया, जगह यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और जो हैप्पी की ना मिली है, सोने भी मिल जाती है, नहीं मिलती है खड़न भी नहीं मिलती। बिल्कुल, चलो जैसा भी है मज़ा पूरा आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार आपको दिखा देते हैं, पूरा फुल हो चुका है माहौल। देख आ जाओ सर, आ जाओ। तो हैप्पी जी ट्राई करने गए हैं कि बैठने को जगह मिल जाए। मिली जगह? सो के जा रहे बंदे, कह रहे नहीं मिलेगी। हैप्पी भाई पूरा गुस्से में। भाई माड़ी वीडियो बना ली बाहर। तो भैया ये मज़े ले रहे हैं हम विंडो पे, और भैया साहब एकदम हवा, भैया हवा आ रही पूरी एकदम मज़ेदार। ओ भाई ये क्या था, दूसरी साइड भी आपको दिखाते हैं, नीचे भी दिखाते हैं। कैमरा बाहर नहीं निकालेंगे बिकॉज ना सामने से कोई खींच के ना ले जाए, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है जितना हो सके आपको ऐसे दिखाने। पर माहौल देखिए बाहर कितना ज़बरदस्त मिलने वाला आपको, और एक बार आपको ना दूसरी साइड करके भी दिखाते हैं और कैसी सिचुएशन में हम खड़े हैं इस टाइम। आप देख सकते हैं बहुत मुश्किल है। हैप्पी भाई देखो पता नहीं क्या करी जा रहा है। हैप्पी भाई क्या कर रहे हो? हैप्पी भाई कहते हैं बूट पॉलिश करवा लें। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इधर की साइड में, इधर पूरा फुल है। हाँ जी भैया, मोबाइल गुम हो गया? ओ भाई जान, तो भैया का मोबाइल गुम हो गया, तो अब तो अंकल जी अब तो मिलना मुश्किल ही है। हाँ हाँ, तो ये भी है मोबाइल यहाँ पे गुम हो गया, अंकल जी का चोरी होने का भी खतरा रहता है। हैप्पी जी अपना ना मोबाइल को सेफ रखना, चेक कर लो है जेब में है? तो है मोबाइल, चार्जर भी है, पूरा चार्जिंग लगाया हुआ है। अच्छा खाना खाए यहीं बैठ के? पूरा पीछे के साइड में वॉशरूम है, परसों वाला भी बाहर आया ना। तो मतलब आप सभी के लिए ना इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना चलते चलते, तो उसके बाद कमेंट ज़रूर करना कैसा आपको मतलब लग रहा है। इधर के साइड में देखिए पूरा फुल हुआ पड़ा एकदम माहौल। ओ देखो जी पूरा एकदम पूरा माहौल। तो ये भैया कह रहे हैं कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया। किसने चोरी किया? मेरे को पता नहीं है सर। आपने अभी बोला हमने चोरी किया। हमने किसी का मोबाइल क्या चोरी किया ना भाई, हम क्यों चोरी करेंगे, हमारे पास दो दो मोबाइल है। आप क्या हो सर? हैं आप क्या? मैं YouTube पे वीडियो बनाता हूँ घूम फिर के, आपके जैसा मेहनत ही करता हूँ, बस फर्क कितना है आप बूट पॉलिश करते हैं हम लोगों को पॉलिश करके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपका मोबाइल चोरी हो गया, आप कह रहे हमने चोरी कर लिया, गलत बात है जी, ऐसे नहीं आपको नहीं बोल रहा, आपको बोल रहा है इसे। अच्छा चार्ज नहीं कर रहे हो? मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप रिकॉर्ड कर दो घंटे के बाद कर लो। दो घंटे तो क्या करें अंकल जी, देखो इतनी मुसीबत है, बंदे नीचे बैठे हुए हैं और हैप्पी भी थका पड़ा है, सभी थक गए हैं। दो घंटे हमने इंतजार किया ट्रेन का, ट्रेन आती बहुत लेट है सर, हमने भी इंतजार किया गाड़ी का। बिल्कुल इंतजार करना पड़ता है। नहीं चेता हमने भी इंतजार किया। अच्छा तो कोई बात नहीं, इंतजार आपका, आप तो गाड़ी के अंदर ही बैठे हैं, आपने इंतजार किया, पॉलिश कर रहे हैं गाड़ी के अंदर ही। मेरा तो पॉलिश किया हुआ था। नहीं मेरा पॉलिश है, मेरा तो पॉलिश ही है, गंदा ही हो जाना है पॉलिश करके फिर। सर बड़ी मुश्किल है, बच्चों से बात करनी है, बड़ी मेहरबानी है। मोबाइल नहीं, नहीं नहीं मोबाइल मोबाइल अब आपका कैसे है? ये तो नहीं नहीं मोबाइल थोड़ी। तो अंकल जी का मोबाइल गुम हो गया जिस वजह से, तो अभी अंकल जी एक बार पूछ लो फोन करके, आप फोन कह रहा हूँ मिस कॉल मार के देख लो अगर मिल जाए किसी से, है ना? फोन नंबर है आपके पास? फोन नंबर निकाल लीजिए। तो बहुत ज़्यादा गलत बात है यार, मतलब चोरी हो गया अंकल जी का फोन ट्रेन के अंदर। आ जाओ। तो भैया पूरे मजे लेने वाले ट्रेन के अंदर, और बहुत ज़्यादा तकलीफ मिल रही है, एक तो पहले जगह नहीं मिली बैठने को, और दूसरे नंबर पे खाना भी नहीं खाया, तो अभी खाना खाने की टाइम भी नहीं है, और 11 बज गए हैं, यहीं पे 9-10 बजे के निकले हुए हैं स्टेशन से, और अभी सोच रहे हैं घर जाएंगे, घर कह रहा हूँ, दिमाग देखो इतना ख़राब हो गया, जलंधर स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ जाके सबसे पहले खाना ही खाएंगे, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। तो मज़े ले रहे हैं,
कैमरामैन हैप्पी के साथ। तो फाइनली गया जलंधर स्टेशन आने वाला है और भूख बहुत तेज लगी हुई है, तो थैंक गॉड स्टेशन पे रुक गई क्योंकि पीछे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक और ऊपर से सीट नहीं मिली भैया, खड़े होकर जा रहे हैं आप सभी के लिए, तो इधर से जाना भैया, तो चलते हैं इधर के साइड में। अरे इधर से निकल, उधर कहाँ जा रहे हैं? अरे उधर तो वॉशरूम है। ओ भाई लग गया झटका, बहुत मुश्किल से, बहुत ज्यादा मुश्किल होगी भैया जी। मजा तो पूरा आ रहा है, मजा पूरा आ रहा जी। हाँ हाँ ये बंदे हमारे साथ थे जलंधर, अच्छा जलंधर ही है ना पक्का? हाँ जलंधर पे उतरे, पता चले कहीं और उतर गए। ये कौन सा गया जलंधर? जलंधर सिटी पे आ गए हैं, तो जलंधर सिटी पे आ गए हैं और हैप्पी जी पूरा खुश। हैप्पी जी तो जाना किधर है? इधर जाना है, इधर जाना है। तो ये एक बार आपको ट्रेन फिर से दिखा देते हैं भैया जी। इस डब्बे के अंदर बैठे थे हम, 201211, और इधर के साइड से काफ़ी बड़ी मज़ेदार थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी अंदर, देखे पूरा भरी पड़ी ट्रेन एकदम चिल मोड में, और मज़ा जो है ना मज़ा एक अलग लेवल का आने वाला है यहाँ पे। मतलब अभी तो वीडियो की सिर्फ जस्ट शुरुआत कर रहे हैं। तो भैया अभी हम पहुँचे हैं जलंधर सिटी स्टेशन पे, और एक पानी वाला ना यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी मिल रहा है, चेक करते हैं, चेक करवाओ पानी पूरा, मतलब तेज़ी से आएगा गरम गरम, क्या बात है। ओ भाई इतना तेज़ पानी आ रहा है, देखो इतना तेज़ पानी कहीं देखा आपने? देखो ये सिर्फ जलंधर सिटी के अंदर मिलेगा, ये पूरा बोतल भरने में ना 3-4 घंटे लग जाएंगे, मतलब कल तक भर ही जाएगा भैया, कल तक भर जाएगा। ठीक है कल यही मिलेंगे आपको फिर से, पूरा एकदम मतलब सीधा ना ज्वालामुखी से पानी की पाइपलाइन डाली उधर, एकदम गरम गरम पानी आ रहा है। और बट बिल्कुल ये बट पानी खर्चा होना चाहिए ना, बिल्कुल पानी बंद कर देते हैं और क्या है? ओके जगह में ऐसा है। अच्छा मतलब जब स्टेशन पे ना ट्रेन चलती है तो उसके बाद पानी यहाँ पे कहते हैं बंद कर देते हैं, पर हमारे पास ठंडे ठंडे पानी की 3-3 बोतलें हैं। धंधे वाले का हाँ जी खर्चा होना चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, पर हमारे पास भैया ठंडा पानी पूरा चिल मार रहे, 3-3 बोतलें, ये लो हैप्पी भाई मजे लो, और हमारी बोतल खाली कर दी हैप्पी भाई ने, गलत बात है, हमारे टाइम इतना पानी बच गया यार, तो मज़े भी ले रहे हैं, पानी पहले पी लें यार, गला सूख गया। हाय हाय बहुत कीमती पानी है ठंडा ठंडा, ये लुधियाना का पानी है जी, तो मतलब मज़े ले रहे हैं पानी के, आगे भी देखेंगे इसी तरह की, मतलब जहाँ लाइफ ऑफ रविंदर है ना वहाँ मस्ती आपको पूरी मिलने वाली है, ये याद रख लेना। मतलब जो नए व्यूअर्स हैं ना उनको बता रहा, पुराने को तो पता है मस्ती का दूसरा नाम लाइफ ऑफ रविंदर। यहाँ भी पानी मिल रहा है, अभी चेक कर लो पानी आ रहा है, चेक करना कितनी है, कहाँ आ रहा है यार पानी आ ही नहीं रहा। हाँ हाँ थोड़ा मज़ा आया पानी पीकर, थोड़ा गला ना साफ हो गया। हैप्पी जी ये हैप्पी जी का पूरा बैग ना वाटर टैंक का जी पूरा पानी से भरा पड़ा जी, यहाँ पे 3-3 बोतलें एक बार चेक करवा दें, ये देखो जी चेक करो जी पूरा एक हाथ में बोतल है, और गर्मी पूरी हाय हाय राम, गर्मी ने तो ना वट करते, वट पंजाबी कहते ना वट, तो वो निकाल दिया जी, मतलब गर्मी पूरी मिलने वाली है आपको। उसके बाद आगे देखते हैं क्या, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पे होगी, आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट जो भी होगा काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा, तो चल रहे हैं बस मज़े ले रहे हैं जी। तो यहाँ पे ना एक चीज़ और भी नोटिस की है कि यहाँ पे वीडियो बनाना मना है, पब्लिक मतलब पब्लिक होती है तो इस वजह से पुलिस वाले जो होते हैं ना उन्होंने मना कर दिया, तो चलिए आगे जाके बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं जलंधर सिटी के स्टेशन पे और एग्ज़िट हो गए हैं, मतलब एग्ज़िट मतलब ट्रेन पे ना, वहाँ पे बंदों ने मना कर दिया था कि वीडियो नहीं बनाने देते, कुछ होगा इंटरनल प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक बार पूरा पीछे का व्यू दिखा देते हैं, मतलब जलंधर का स्टेशन पे हैं, मज़े पूरे लेने वाले हैं। टाइम की बात करें पहले, टाइम यहाँ पे ना जो 11:20 हो गए हैं, और हम वहाँ पे कितने पे निकले थे यार, हम मेरे को 10:30 के अराउंड निकले थे, तो फिर भी आधा घंटा 45 मिनट लग गए हैं जी। तो उसके बाद आगे देख रहे हैं जी, अभी चलना है हमने ज्योति चौक में, ज्योति चौक चलते हैं, वहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, टेम्पो पकड़ते हैं। आपको एक बार पहले ना ओवरव्यू दिखा देता हूँ इधर का है ना, फिर क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है जलंधर में आने का। इधर के साइड में आपको चीज़ें दिखा देते हैं जी, भंगड़ा पा रहे जी सरदार जी, और उधर के साइड में मैडम जी भंगड़ा पा रही है जी। हाय हाय क्या बात है जी, कितना खूबसूरत नज़ारा है जी जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन का, पूरा गर्मी से ना माहौल खाली खाली है। इधर के साइड में टाइगर है जी, और ये हमारा हैप्पी जी है, इन्हें आप सभी जानते ही हैं। और ऊपर क्या लिखा है जी बोर्ड पे, थैंक्स फॉर विजिट किधर का भैया, लिखा ही नहीं। तो ये जी आगे, ए भाई साहब जी मज़े ले रहे हैं धूप के अंदर, देखो एलिफेंट
टाई पहना कर। उसके बाद इधर के साइड में, हाँ जी ज्योति चौंक जी, ज्योति चौंक छड़ दीजिए। कितना किराया? 150 रुपया। तो ज्योति चौंक जाने का भैया बोले 150, कुछ कम नहीं होगा? हाँ जी तो काफी मजे ले रहे हैं, आगे चलते हैं थोड़े पहले देखते हैं घूम के। क्या लगा सर आपने? मैं ज्योति चौक जा रहा हूँ भैया। छोड़ देते ऐसे जाओगे तुर तुर के? नहीं नहीं तो भैया कहना कि चल के जाएंगे हमने तो मजे भी ले रहे हैं और देखते हैं पूरे, मतलब पूरे ऑटो वाले पूरे भाई घूमने आया कैंट स्टेशन पे। बिल्कुल मतलब हमारी लगा दी भैया, कर तुर के जाएगा बंदा ज्योति चौक पे अपना रेलवे स्टेशन से। मैं 150 रुपये किराया बोल रहे हैं यार, किराया कुछ कम होना चाहिए यार, कुछ किराया कम होना चाहिए यार। बाकी फिल्म उधर बनाना जाके। ओ भाई यार 150 से कम कर लो थोड़ा यार। यार भाई सालम जाते हैं उधर, हैं बुक करके जाते हैं ऑटो, बुक करके जाते हैं। ज्योति चौक बहुत दूर है यहाँ से यार, पास में। कितना से टाइम लग जाता है? लग जाएगा 20 मिनट। 20 मिनट लग जाएगा, कुछ जायज कर लो यार। मैंने 200 नहीं बोल दिया, 100 रुपये लीटर तो तेल ही है भाई, जायज है बिल्कुल। आज ले आओ फिर, चलो ले आओ, ले आओ ऑटो। तो 150 में बात हमारी फाइनल हो गई है, चलो अब चल रहे हैं ना भाई, ठीक ही है ना। हाँ। अभी 100 रुपये लीटर भैया ने बोल दिया तेल ही है, तो हम कुछ आगे बोल नहीं सकते क्योंकि 100 से भी ऊपर तेल का रेट हो चुका है। तो ऑटो लेने गए भैया, 150 रुपये हैप्पी देगा हैप्पी की जेब हल्की करेंगे इस बार। तो चलो ऑटो पे मिलते हैं। तो फाइनली ऑटो के अंदर बैठ गए जी। तो पहले हम जा रहे हैं बस स्टैंड पर, बस स्टैंड पर जाएंगे, बस स्टैंड पर एक बार एक्सप्लेन। बिल्कुल हाँ, हैप्पी हैप्पी कह रहा मैं अपना ब्लॉग बनाऊंगा, बनाओ बनाओ, ये देखो ये हैप्पी का ब्लॉग। तो बस स्टैंड जा रहे हैं हम सबसे पहले, और वहाँ पे देखते हैं एक्सप्लोर करेंगे जलंधर बस स्टैंड। ये बीच में बोलिए यार, तू पहले, तू बोल यार, पहले तू बोल, बोल पहले तू बोल, नहीं पहले तू बोल ले। हाँ बोल, हाँ बंद कर दिया। तो पहले हम जा रहे हैं जलंधर बस स्टैंड में और वहाँ का व्यू लेंगे, मतलब एक टाइटल होगा जलंधर का बस स्टैंड, उसके बाद एक ज्योति चौक का, और उसके बाद आगे भी होगा एक, हमने कवर कर लिया है कि रेलवे स्टेशन था लुधियाना से जलंधर का। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस था ट्रेन के अंदर, और बहुत ज़्यादा मुश्किल आई, बहुत ज़्यादा मुश्किल आई, खड़े होके हमने जाया और खाना भी नहीं खाया। और अभी मिलते हैं आपको वहाँ पे, जब तक थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में बाय।